चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मलूटी की। तो दुमका के मलूटी को ऐतिहासिक मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह धरोहर आज खतरे में है। मध्यकालीन स्थापत्य कला और टेराकोटा की कलाकृतियां इसे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भी मशहूर करती है। सरकार इसे बचाने के लिए सक्रिय तो है, लेकिन इस अनमोल धरोहर के जीर्णोद्धार के काम में भी करप्शन नजर आ रहा है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मलूटी के ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए सरकार ने योजना बनाई। ITHRD ने करोड़ों रुपए का बजट आवंटित किया, लेकिन जिस एजेंसी को काम करने का जिम्मा सौंपा गया उसके काम की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के रीजनल डायरेक्टर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जब मंदिर में हुए काम की जांच की तो गुणवत्ता देखकर पूरी टीम हैरान रह गई। देखिए, झारखंड सरकार इसको संभाल करके रखने का अथक प्रयास कर रहा है, सराहनीय काम है, लेकिन इसकी मौलिकता को बचाते हुए अगर काम हो तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि झारखंड को ये मिल गया, हमारे झारखंड में ये आ गया। मलूटी स्थान और मलूटी मंदिर का ये 108 टेंपल्स का ग्रुप, सलाह देंगे यही रहेगा कि इसकी मौलिकता को बरकरार रखते हुए काम हो तो और ज्यादा मजा आएगा। जो ये खत्म हो रहा है, टूट रहा है, जड़ रहा है, उसको बचाने की जो शैली है उस शैली पे काम करवाते रहे तो अच्छा रहे। काम के लिए तो बोलेंगे, क्योंकि हम स्थानीय हैं इसलिए बोलेंगे कि हमारा जो जमींदार लोग था, हमारा पूर्वपुरुष था, वो लोग बहुत कष्ट करके अपना पूरा जीवन का मेहनत ही देकर ये मंदिर सब बनाए थे, लेकिन आज मंदिर का जो हालत हो रहा है उसके तरफ बहुत दुख हो रहा है। हम लोग का बहुत ही दुख हो रहा है। क्या दुख हो रहा है? कि एकदम खराब मटेरियल्स देकर, सीमेंट देकर इसको बनाया जा रहा है। तब तो ऐसे बनाया नहीं गया था, जब वो बनाए गए थे तब 400 साल उसका आराम से कट गया, लेकिन अभी उसमें उसके ऊपर सीमेंट देकर उसको और भी मौलिकता को नष्ट, पूरा मौलिकता को नष्ट कर। मलूटी के ऐतिहासिक मंदिरों के संरक्षण के लिए सरकार ने ITHRD के तहत 80 करोड़ रुपए आवंटित किए। 2 अक्टूबर 2015 को दुमका पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने भी मलूटी मंदिरों के विकास के लिए करीब 13 करोड़ 50 लाख रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन ऐतिहासिक धरोहरों के विकास राशि का बंदरबांट हो रहा है। ट्रीटमेंट करो, केमिकल ट्रीटमेंट करके पेड़ को खत्म करो, नहीं तो पूरा मंदिर धस जाएगा। अभी जो काम हो रहा है उससे आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं है, एकदम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या इधर बड़ा जो काम करता है इसके लिए हम बिल्कुल बड़ा एकदम खुश नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के रीजनल डायरेक्टर फणिकांत मिश्र के नेतृत्व में पहुंची टीम ने मंदिर के विकास कार्य का जायजा लिया। टीम के सामने लोगों ने अपनी शिकायत रखी। ASI के रीजनल डायरेक्टर फणिकांत मिश्र के मुताबिक वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। ये नहीं कहा कि इसमें सीमेंट लगाना क्राइम है, हमने कहा कि ऐसे मॉन्यूमेंट में सीमेंट नहीं लगना चाहिए, पुरातत्वीय नियम के अगेंस्ट है। पुरातत्वीय नियम में यह है कि अगर सुर्खी चूना उसमें लगा था तो हम सुर्खी चूना का ही इस्तेमाल करें, हमें सीमेंट लगा के किसी भी स्मारक में जो जहाँ सीमेंट नहीं है हम स्मारक को संरक्षण नहीं कर रहे हैं, उसको हम एक तरह से क्षति पहुंचा रहे हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को हम खराब कर रहे हैं। अब यहाँ क्या हुआ है ये बहुत डीप स्टडी वाला मैटर है, ये इतना जल्दी कोई आप 10 मिनट में नहीं इसका अनुभव ले सकते हैं, और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो हम लोग तारीफ करेंगे, कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो हम लोग उसको ठीक करेंगे। सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण और विकास को लेकर सजग तो है, लेकिन सरकार की पहल पर सिस्टम का दीमक लगातार नजर आ रहा है, जो इस धरोहर के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा है। सुबीर चटर्जी, जी मीडिया, दुमका।